सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दोस्तों, आप लोगों ने जो अभी अभी वीडियो देखा वो चाइना के फनी वीडियो है। मतलब अब वो वीडियो अपलोड करके आप महीने के लाख रुपये कमा सकते हो और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको वो वीडियो डाउनलोड करना है, थोड़ा सा एडिटिंग करनी है और यूट्यूब में अपलोड कर देनी है। और आप लोगों को ये पता है कि इस वाले वीडियो में कितना तक व्यू आते हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखा देता हूँ जिसे आप ये वीडियो देख सकते हो। इसे कहते हैं चाइनीज फनी गैजेट वीडियो, जो कि गैजेट का रिव्यू देना पड़ता है और गैजेट क्या बताना पड़ता है कि टॉप 5 में ये गैजेट है, ऐसा कुछ हमें बताना पड़ता है। और आपको ही पता कि ऐसे वीडियो कितने चलते, मैं आपको लाइव फिल्म दिखा भी देता हूँ। इसे मैं आ चुका हूँ यूट्यूब में और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गैजेट वीडियो चाइना। इसे मैंने सर्च करा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 मिलियन, 18 मिलियन इस तरह की वीडियो पर व्यू आते। मैं उनके चैनल पर जाता हूँ, ऐसे मैं इस चैनल पर जाता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों उन्होंने 8 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लिया है और उनके 115 वीडियो अपलोड करे हुए। मैं उनके शॉर्ट वीडियो पे आ चुका हूँ, यहाँ से उनके वीडियो के व्यू देख सकते हो। हर एक वीडियो पे लाखों और मिलियन में व्यू आ चुके हैं। उनके पॉपुलर वीडियो में क्लिक करता हूँ, ऐसे आप यहाँ से देख सकते हो 50 मिलियन प्लस से बहुत सारे हमारे वीडियो मिलियन पे जा चुके। और कुछ भी नहीं करते, सिर्फ चाइना के वीडियो डाउनलोड करते, थोड़ा सा एडिटिंग करते, वॉइस ओवर करते और वही वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर देते। एक तो वीडियो वायरल हो गए तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम हो गया, 3 मिलियन वॉच टाइम हो गया, वो आसानी से पूरे हो जाते। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ आपको कहाँ से वीडियो डाउनलोड करना है, कैसे एडिट करना है, सब कुछ मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और आप चैनल पर नए आए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साइन बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना। चलो आज की वीडियो शुरू कर। तो दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि उस तरीके की वीडियो कहाँ से ले, कहाँ से कॉपीराइट नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, उस तरीके की वीडियो बनाए कि आपको यूट्यूब में ही मिलेगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यूट्यूब में आपको सर्च करना है, उसको डाउनलोड करना है। अभी आप क्या करेंगे, यूट्यूब में मैं आ चुका हूँ, यहाँ से मैं सर्च करता हूँ न्यू गैजेट। से मैं सर्च करता हूँ, आपको यहाँ पर एक चैनल दिख रहा होगा, उस चैनल पर जाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर उन्होंने गेन कर लिया है और 1700 वीडियो उन्होंने अपलोड करा हुआ है। मैं उनके वीडियो पे जाता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो कि 24 मिनट का वीडियो है, 27 मिनट का। आप यहाँ से इनके वीडियो, मतलब जो लॉन्ग वीडियो है, इसको डाउनलोड करना है। सबसे पहले मैं उन सब एक वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ इस टीम डॉट में, जाता हूँ मैं शेयर में, यहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने वीडियो डाउनलोड कर लिया है। अभी मैं उस वीडियो को एडिट करने वाला हूँ काइन मास्टर से। आपके पास जो भी एप्लीकेशन होगा आप उससे एडिट कर सकते हो। तो मैं काइन मास्टर को ओपन करता हूँ। तो जैसे मैंने ओपन करा तो यहाँ से आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ऐसे मैंने क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक करा, यहाँ का जो रेशियो होता है 16:9, जो हमारा लॉन्ग वीडियो का रेशियो है। तो हमें लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है, हमें शॉर्ट वीडियो बनाना है। तो मैं 9:16 के ऊपर क्लिक करके क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ऐसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बैकग्राउंड ले लेना है। इस अभी इस बैकग्राउंड को जितना बड़ा हम शॉर्ट रखने वाले उसके हिसाब से इसको मैं बड़ा करता हूँ। तो करता हूँ इसको 1 मिनट तक। इतना होने के बाद दोस्तों, हमने जो वीडियो डाउनलोड करा हुआ है उसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर देंगे। तो हम लेयर पर जाएंगे, वीडियो पर जाएंगे और यहाँ से जो वीडियो डाउनलोड करा हुआ है हमने वो यहाँ पर इम्पोर्ट कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मेरा वीडियो यहाँ पर आ चुका है। तो अभी ये इस वीडियो को मैं अच्छी तरीके से लगा देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर लेके जाऊँगा और इस तरीके से जूम कर दूँगा। इतना होने के बाद दोस्तों, इस वीडियो के जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। इतना होने के बाद जितने भी हमारे गैजेट है, जैसे कि टॉप 10 हो गया, टॉप 5 हो गया, टॉप 3 हो गया, आपको जैसे चाहिए वैसे वीडियो आप बना सकते हो। अभी मेरा वीडियो यहाँ पर आ चुका है। अभी मैं इस वीडियो को थोड़ा सा एडिटिंग करूँगा। मैं जाऊँगा मिक्सर पे और जो इसका साउंड है सारा कम कर दूँगा। ऐसे यहाँ से मैं सारा साउंड कम कर दिया है। यहाँ से मैं थोड़ा स्पीड में जाऊँगा और स्पीड को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दूँगा। इतना होने के बाद मैं जाऊँगा फिल्टर में। फिल्टर में जाने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा फिल्टर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसे मैं करता हूँ ये वाला और इसको मैं यहाँ से इस तक यहाँ पर मैं रख देता हूँ। इतना होने के बाद अभी जाना है मैं एडजस्ट में और यहाँ से ब्राइटनेस, थोड़ा सा कंट्रास्ट और सैचुरेशन और वाइब्रेशन इतना बढ़ा देना है।
इतना होने के बाद अपना वीडियो 50% तैयार हो चुका है। आज मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर करने वाला हूँ, कैसे करेंगे जो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रिकॉर्डिंग का, आपको रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करना है। ऐसे आपने रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करा दिया, यहाँ पर आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ऐसे आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करा, यहाँ से आपको वॉइस ओवर होना चालू हो जाएगा। मैं आपको वॉइस ओवर करके दिखा देता हूँ। दोस्तों हमें टॉप 3 में से गैजेट मिलेंगे जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों मैंने वॉइस ओवर कर दिया है, आपको अच्छी तरीके से स्क्रिप्ट लिखना है और वॉइस ओवर करना है। दोस्तों इतना हो गया, अभी हमें क्या करना है कि जो वॉइस ओवर के पीछे वॉइस ओवर के बैकग्राउंड में एक म्यूजिक लगा देना है जो कि आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। से आपको यूट्यूब में सर्च करना है यूट्यूब शॉर्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, आपको बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाते, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर इम्पोर्ट कर देना। मतलब आपका वीडियो एक अच्छा सा बनेगा, मतलब अट्रैक्टिव बनेगा और आपके वीडियो पे व्यू आने ज़्यादा से ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे। दोस्तों इतना होने के बाद हमारा वीडियो पूरा तैयार हो चुका है। चलो मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ यूट्यूब में कि हमें कॉपीराइट आता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को सेव कर देता हूँ। दोस्तों मेरा वीडियो सेव हो चुका है, अभी मैं उस वीडियो को आपको लाइव यूट्यूब में अपलोड करके दिखा भी देता हूँ। ऐसे मैं यूट्यूब में आ चुका हूँ दोस्तों, प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ, शॉर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐसे जो वीडियो मैंने सेव करा हुआ है मैं इसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर दूंगा। तो मैं इस वीडियो को क्लिक करता हूँ, यहाँ से डन करता हूँ। जब वीडियो प्रोसेसिंग हो गया है मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ से मैं पुश बैक टाइटल लिख लेता हूँ, जो लिखता हूँ मैं न्यू वीडियो। से मैंने न्यू वीडियो लिख लिया है और यहाँ से मैं अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो कि मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है, मैं आपको दिखावा देता हूँ। ऐसे आप देख सकते हो दोस्तों कि मेरा वीडियो अपलोड होना चालू हो गया है। मैं आपको वाइट स्टूडियो में लेके जाता हूँ, वहाँ से आपको सारा कुछ दिखाता हूँ कि वहाँ पे हमें कॉपीराइट आता है या नहीं। तो दोस्तों मैं वाइट स्टूडियो में आ चुका हूँ, अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे वीडियो पे कॉपीराइट आया है या नहीं। तो शॉर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐसे आप देख सकते हो दोस्तों कि मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है और मेरे वीडियो पे कुछ भी कॉपीराइट नहीं आया है, आपको मैं सब कुछ लाइव ग्रुप दिखा रहा हूँ। और तो मैंने कुछ भी एडिटिंग भी नहीं करी, मैंने कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं लगाया, मैंने कोई वॉइस ओवर भी नहीं किया, फिर भी मेरे वीडियो पे कुछ भी कॉपीराइट नहीं आया है। पर आप लोग पूरा एडिटिंग करोगे, वॉइस ओवर करोगे, सब कुछ आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपकी वीडियो पे कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा और आप भी अच्छे खासे अर्निंग कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो याद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपको कुछ सवाल पूछने होंगे या कुछ आपको और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में जरूर बता देना। और आप चैनल पे नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन उसको क्लिक कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।